हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपका कुशवाहा आज आपको नए तरीके से मैं गले की डिज़ाइन बताऊंगी। ये मैं नेट का, और देखो चिकना फैब्रिक है और अपना अस्तर का कटिंग कर रखा है मैंने। अब मैं गले की शेप दे रही हूँ इसमें। 2.5 इंची का मैंने चौड़ाई दी है और 11.5 इंची पर इसकी लंबाई ली है मैंने गले की। और ये इतनी मुझे दूरी चाहिए डिज़ाइन के लिए, तो 4.5 इंची पर तो मैं इसकी लंबाई का निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसको चौड़ाई का निशान लगाऊंगी, तो 4 इंची पे मैं चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। अब इसमें मैं शेप दे दूंगी डिज़ाइन की, आप कोई भी शेप में बना सकते हो डिज़ाइन। ये मैं बिना बुकरम की डिज़ाइन बना रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, ये देखो मैंने कटिंग भी कर दी है इसकी। अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ पूरा। अब इस पर मैं सेट करूँगी इस कपड़े को अच्छे से, बिल्कुल मैं कपड़े को रख लूँगी इसमें। दोनों साइड से मैंने कपड़ा बिल्कुल अच्छे से कर लिया है ये। अब इसमें मैं पिन लगा के सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल कपड़े पर सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। मैं इस पर पिन लगा रही हूँ, दोनों तीनों साइड पर मैं पिन लगा दूंगी। ये देखो मैंने पिन लगा दी है। अब मैं सिलाई लगाऊंगी, तो थोड़ा कपड़ा दबा के ही सिलाई लगाऊंगी मैं। आप इसी तरीके से सिलाई लगाना है इसको आपको। ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं पिन लगा रही निकाल दी है मैंने इसमें से। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, तो मैंने कटिंग कर दी है। अब इसमें छोटे छोटे मैं कट लगाऊंगी, ये देखो मैं कट लगा रही हूँ। इस तरीके से कट आपको लगाने हैं इसमें। हम कोई भी गला बनाते हैं मैं सब में कट लगाती हूँ, कट लगाने से अच्छा फोल्ड हो जाता है। अब इसको मैं सीधा कर दूंगी गले की डिजाइन को। अब इसे अच्छे से करके मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई में थोड़ा किनारे से ही लगा रही हूँ इस पर। ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है बहुत अच्छे से। अब मैं इस पर नेट सेट करूँगी, एक नीचे मैं सिलाई लगा दूंगी, इसे दबा दूंगी नीचे पहले, ये खिसके ना कपड़ा इसलिए। इस पे हम नेट सेट करेंगे इसमें। ये मेरा नेट का ब्लाउज़ है। अब मैं नेट वाले डिज़ाइन की गले कपड़े कटिंग नहीं करूँगी मैं। जो मेरा ये फूल जो बना हुआ है उसे मैं बीच में लूँगी, और बिल्कुल पहले नीचे की साइड से मैं सिलाई लगा दूँगी इसमें। ये देखो इस तरीके से डिज़ाइन की शेप आ जाएगी। और मैं नेट की कटिंग थोड़ी हल्की सी करूँगी बस। मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से कटिंग करनी है। तो इसमें मैं डीप का भी गला भी पहन सकते हैं हम, कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं आपको जो पसंद हो। मैं वो डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें। अब मैं आपको गले की कटिंग बताऊँगी किस तरीके से करनी है नेट में गले की डिज़ाइन। तो पहले मैं किनारे से बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी। जी देखो मैंने किनारे से सिलाई लगा ली है पहले इसमें। अब देखो ये मैंने दो फोल्ड में रख लिया है। अब मैं आपको गले की कटिंग बताऊंगी इसमें थोड़ी सी। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये गला गर्दन से चिपकेगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ी कटिंग करूंगी। आप इसमें भी कोई डिज़ाइन डाल सकते हो हल्की सी, पर मैं ये 3 इंची की चौड़ाई और लंबाई ली है मैंने। अब इसकी कटिंग कर दूंगी मैं। ये देखो मैंने कटिंग कर दी है, ये गोलाई में आ जाएगी कटिंग करके। अब इसमें मैंने देखो और भी पट्टी एक नेट की कटिंग कर ली है, नीचे की साइड से मैं उल्टे की साइड से लगा दूंगी इसमें, और लगा के मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पर। ये मैंने सिलाई भी लगा दी है इसमें। अभी मैं एक और सिलाई लगाऊंगी, इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है इसे मुझे। ये देखो अब इस तरीके से फोल्ड करके आपको ऊपर से एक सिलाई लगानी है।
ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है, अब आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से शेप आ जाएगी इस डिज़ाइन की। आप इसमें कोई भी और डिज़ाइन डाल सकते हो, इस तरीके से बटन भी सेट कर सकते हो, पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी शेप लग रही है बनके डिज़ाइन की। अब इसमें मैं आपको लेस बताऊंगी लगाना, किस तरीके से लेस भी लगानी है। लेस लगा के थोड़ा अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। जैसे मेरे डिज़ाइन की शेप थी उसी तरह शेप से मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखो मैंने लगा दी है लेस। ये देखो हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।